नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 54 गोटे के मृत्यु, 9070 गोटे नया संक्रमित। प्रदेश दो में पिछला 24 घंटा में 441 गोटे में संक्रमण। सबसे बेसी धनसा में 117 गोटे संक्रमित, परसा में 111 नया संक्रमित। सब ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में फिरता करा सरकार द्वारा सब संग आग्रह, घर में जमा कर फिरता नहीं कला पर कार्रवाई है। शनि से सप्तरी के शहरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा, मोरंग में शुक्र के राय से निषेधाज्ञा लागत। आ कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद नेपाल से हो वाला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आ अवतरण बृहस्पति के राय 12 बजे से बंद। अब समाचार विस्तार में। देश भर बृहस्पति दिन 9070 संक्रमित बढ़ल छे। एक दिन बढ़ल ई संख्या अखन धरक सबसे बेसी रहल छे। बृहस्पति दिन 21142 गोटे के परीक्षण कैल गेल छल, जाहि में PCR परीक्षण कला पर 8970 गोटे आ एंटीजेन परीक्षण से 100 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। तहिना काठमांडू उपत्यका में 2972 गोटे संक्रमित बढ़ल छे, जाहि में काठमांडू जिला में 2163, भक्तपुर में 242 आ ललितपुर में 567 गोटे रहल छे। इस सहित अखन धरि संक्रमित होवे वाला के संख्या 368580 पहुँचल छे। तहिना कोरोना से 54 गोटे के मृत्यु भेल छे। अइ संगे मृत्यु वाला के संख्या 3529 पहुँचल छे। तहिना 2707 गोटे ठीक भेल छे। अइ संगे ठीक होवे वाला के दर 79.4% रहल छे। अखन धरि 292490 गोटे कोरोना से ठीक भेल छे। इम्हर प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 441 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छे। स्वास्थ्य निर्देशनालय बृहस्पति दिन देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 117, परसा में 111, महत्तरी में 71, सिराहा में 50, सप्तरी में 43, बारा में 31, सरलाही में 10, रोहतड़ में 5 और जिला के 3 गोटे रहल छे। अइ संगे प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 21679 पहुँचल छे। पिछला 24 घंटा में प्रदेश में 5 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु भेल छे। अइ संगे प्रदेश में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 244 पहुँचल छे। तहिना 17026 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छे। प्रदेश में अखन 4409 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छे। कोरोना संक्रमित भाग भेरी अस्पताल नेपालगंज में इलाजरत पूर्व मंत्री मोती प्रसाद पहाड़ी के मृत्यु भेल छे। नेपालगंज उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 10 निवासी 77 वर्षक पूर्व मंत्री पहाड़ी के इलाज के क्रम में बृहस्पति के भिनसर मृत्यु भेल छे। उच्च रक्तचाप आ मधुमेह से पीड़ित ओ कोरोना संक्रमित भेला बाद होम आइसोलेशन में रहल समय में ऑक्सीजन के मात्रा कम भेला बाद बुध के भिनसर भेरी अस्पताल में भर्ना कैल गेल छल। बेड़िया में स्वास्थ्य में सुधार भेलो पर मध्य रात में अवस्था बिगड़ित जाकर निधन भेल। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश थापा जानकारी दिलने छे। डोलपा के पुरान राजनीतिज्ञ पहाड़ी विक्रम सम 2053 में शेर बहादुर देवा नेतृत्व के सरकार में पहले कानून राज्य मंत्री, बाद में वन तथा भू संरक्षण आ आपूर्ति मंत्री बनल छल। सरकार सब ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में फिरता करा आग्रह कलक है। अनुगमन के क्रम में बहुत मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर सब खाली रहवाक वा भर के भंडारण क राखल पाल गेल कहित सब उद्योगी व्यवसाय आ सरकार वाला के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सिलेंडर अस्पताल में फिरता क देवा आग्रह कलक है। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमित भेला बाद पिछला समय अस्पताल समय ऑक्सीजन के अभाव हेबा खतरा बढ़ल छै। लोक सब अपन अपन घर में ऑक्सीजन सिलेंडर राखैत अयला से अभाव भेल अस्पताल सबके दावी छै। मंत्रालय ऑक्सीजन सिलेंडर फिरता नहीं करय वाला के अनुगमन क के कार्रवाई करबाक, अस्पताल में न्यायोचित रूप में ऑक्सीजन उपलब्ध करेबाक व्यवस्था क देबाक स्थानीय प्रशासन के आग्रह कलक अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आवश्यक पड़ला पर ऑक्सीजन सिलेंडर के संख्या 2 दिन भीतर निर्धारण कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आग्रह कयने छल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में कोविड संक्रमित सबके चाप बढ़ गेल थे। कोविड-19 संक्रमण के दूसर लहर देखला लगले। संक्रमित होवे वाला के संख्या सेहो बढ़त गेला से अस्पताल में संक्रमित सबके चाप बढ़ल छे। अस्पताल प्रशासन पिछला किछु दिन से
संक्रमित के चाप बढ़त गया आ बृहस्पति दिन और दिन के तुलना में अधिक भेल जनलक विशेष काठमांडू उपत्य में तुलनात्मक रूप में संक्रमित के संख्या अधिक भेनाय आ कोविड के पिछला वेरियंट के संक्रमण के लक्षण जटिल किस्म के देखल गया से अस्पताल में भीड़ बढ़ लागल संगे सरकार कोविड के इलाज के लिए स्वीकृति देने निजी अस्पताल अधिक शुल्क लेवल लगला बाद सर्वसाधारण संक्रमित के चाप सरकारी अस्पताल में बढ़ल छे। निजी अस्पताल के शुल्क आ इलाज के विषय में अनुगमन कर गृह मंत्रालय के सह सचिव के नेतृत्व में अनुगमन समिति गठन कल गेलो पर समिति सक्रिय हो नहीं सकला से निजी अस्पताल संक्रमित के इलाज में मनोमानी शुल्क लैत आयल निजी अस्पताल सबके मनोमानी शुल्क लेबाक प्रवृत्ति के कारण से शिक्षण अस्पताल के अतिरिक्त और सरकारी अस्पताल में संक्रमित सबके चाप बढ़त गया है। कोरोना संक्रमण तीव्र रूप में बढ़त गला बाद सप्तरी में निषेधाज्ञा लागू होब लागल छे। बृहस्पति के दिन बैसल सप्तरी जिला संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बैठक बैसाख 25 गते रात शनि के रात 12 बजे से शहरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय कलक प्रमुख जिला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेल के अनुसार सदर मुकाम राजविराज रोपनी कठौना कल्याणपुर खुचुहिया पातो बोधे वर्षाइन तोपा महुली पत्थरगाड़ा छिनमस्ता जीरिया हटिया मनसापुर हनुमान नगर भारदह बड़मजिया कंचनपुर फतेहपुर वीरेंद्र बाजार लगात के शहरी क्षेत्र में आवागमन निषेध कल जाए। तहिना यूनिक आ छिनमस्ता अस्पताल के 5 दिन भीतर कोरोना संक्रमित के इलाज के व्यवस्था मिलाव बैठक निर्देशन दिलक तहिना प्रत्येक स्थानीयता के कमती में 20 बेड के आइसोलेशन संचालन कर कहने एम्हर मोरंग में शुक्र के राति से निषेधाज्ञा लागल छे। मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी कोशहरी निरोला के अनुसार शुक्र के रात 12 बजे से जेठ 1 गते रात 12 बजे धर के लिए निषेधाज्ञा जारी कल गया है। बीतल रवि दिन विराटनगर महानगर पालिका बूढ़ी गंगा गाँव पालिका जहदा गाँव पालिका आ कटहरी गाँव पालिका के वार्ड नंबर 1, 2, 3 आ 4 में एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा जारी कल गया। मोरंग में संक्रमण दर बढ़ला बाद जिला भर निषेधाज्ञा जारी करबाक निर्णय भेल निरौला जानकारी देलन अछि। जारी निषेधाज्ञा अनुसार खाद्य वस्तु ईंधन खाना पकावला गैस फल फूल लगात व्यवसाय सब भिनसर 6 बजे से 10 बजे धरि मात्र संचालन कर पाओल जात। हाट बाजार होटल रेस्टोरेंट सैलून यात्रा महोत्सव लगात और सामूहिक गतिविधि बंद कर कहल गेल छे। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी सबके आवत जावत कर देवा कहल गेल छे। मोरंग संग सीमा जुड़ल गेल झापा आ सुनसरी ऐसे पहिने ही निषेधाज्ञा जारी कह चुकल छे। दोसर चरण के निषेधाज्ञा के पहल दिन काठमांडू उपत्यका के तीनों जिला में निषेधाज्ञा उल्लंघन करवला के जरिमाना कल गेल छे। काठमांडू उपत्यका के तीनों जिला काठमांडू ललितपुर आ भक्तपुर में बृहस्पति के निषेधाज्ञा उल्लंघन करवला ऊपर जिला प्रशासन कार्यालय रसीद में प्रति व्यक्ति 100 रुपया जरिमाना लेने अछि। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार जिला प्रशासन कार्यालय जारी कने रसीद के आधार में प्रहरी 100 रुपया जरिमाना कने महानगरीय प्रहरी परिषद टेकू के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेत जानकारी दिलन अछि। हुनक अनुसार बृहस्पति के काठमांडू उपत्यका में मात्र निषेधाज्ञा उल्लंघन करवला के 100 से बेसी जन ही 100 रुपया के दर से जरिमाना कल गेल छे। तहिना क 649 गोटे पुरुष आ 223 गोटे महिला के होल्डिंग में राखल गेल छे। निषेधाज्ञा उल्लंघन करवला 270 चार पहिया के सवारी साधन आ 698 दू पहिया के सवारी साधन के सेहो होल्डिंग में राखल गेल प्रवक्ता वसनीत जानकारी दिलन। प्रहरी 16 गते से अखन धरि 23 गते धरि निषेधाज्ञा उल्लंघन करवला 7064 पुरुष आ 2938 गोटे महिला तथा 4231 चार पहिया के सवारी साधन के होल्डिंग में राखल गेल जनौलक अछि। उपत्यका में तीन जिला के प्रमुख जिला अधिकारी आ सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सबके बीतल मंगल दिन बैसल बैठक और एक सप्ताह निषेधाज्ञा बढ़ेबाक निर्णय करैत 29 गते धरि के लेल बढ़ौने छल। ऐसे पहिने बैसाख 16 गते से 22 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कल गेल छल। संक्रमण के दर बढ़त गेला बाद बैठक निषेधाज्ञा के समय बढ़ौने छल। निषेधाज्ञा उल्लंघन करवला के क्रम बढ़ला बाद दोसर चरण के निषेधाज्ञा शुरू भेले दिन बृहस्पति के एहन व्यक्ति सब से जरिमाना लेब शुरू कल गेल छे। अत्यावश्यक काम नहीं पढ़ कर घर बाहर नहीं निकल आ स्वास्थ्य सतर्कता मापदंड पूर्ण रूप में पालना कर सब में अपील करितों पर निषेधाज्ञा
उल्लंघन हेबा क्रम नहीं रोकला बाद जरिवाना कैल गेल प्रहरी जानकारी दिलक। काठमांडू के नया वानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में बृहस्पति दिन से कोविड 19 परीक्षण के लिए स्वाब लेवा काज भेल छे। संघीय संसद सचिवालय बैसाख 27 गते के प्रतिनिधि सभा बैठक के तैयारी के लिए संपूर्ण जनशक्ति सबके कोविड 19 संक्रमण के परीक्षण के लिए बुध दिन आ बृहस्पति दिन स्वाब संकलन कलक। बुध दिन स्वाब देव छूटल सांसद सब बृहस्पति दिन लोसे हल पहुँच कर स्वाब दिलक। तहिना के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र नया बनेश्वर में कार्यरत कर्मचारी सब मर्यादा पालक सब संसदीय मामला पत्रकार सब स्वकीय सचिव लगात के सब कर्मचारी सब ट्रैफिक बम डिस्पोजल टोली तथा बैठक संचालन के लिए विभिन्न भूमिका में रहल सबके स्वाब परीक्षण कैल गेल सचिवालय जानकारी दिलक। सरकार विश्वास के मत लेबाक प्रयोजन के लिए मात्र बैसाख 27 गते प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन बजौने छे। एहि बीच बुध दिन स्वाब देने 4 गोटे सांसद आ 2 गोटे सचिवालय के कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल संघीय संसद सचिवालय जानकारी दिलक। पिछला 3 दिन में हवाई मार्ग होत विदेश जाय वाला आ विदेश से आ वाला यात्रु सबके संख्या एकाएक बढ़ल छे। कोविड 19 संक्रमण के दोसर लहर एला संगे रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार बृहस्पति के रात 12 बजे से सब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आ अवतरण में रोक लगला बाद विदेश जाय वाला आ स्वदेश घूर वाला यात्रु सबके चाप बढ़ल छे। पिछला 2 दिन में यात्रु सबके आवाजाही में 40% से वृद्धि भेल अध्यागमन विभाग जानकारी दिलक। नेपाल के ट्रांजिट पॉइंट बनाकर तेसर मुलुक उड़ान कर नहीं पेबाक बैसाख 13 गते के मंत्रिपरिषद के निर्णय बाद यात्रु सबके आवागमन में कम आयल छल, मुदा 19 गते के निर्णय संगे आवागमन के दर वृद्धि भेल। सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आ अवतरण में रोक लगला बाद विशेष कक पर्यटक सब घूर लागल छे। उड़ान रोकला बाद विदेश में रहल नेपाली सब स्वदेश घूरबाक अनुपात से बढ़ल छल। अध्यागमन विभाग के महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराय घूमय आयल विदेशी नागरिक सब अपन देश घूरबाक क्रम बढ़ला से आवागमन 30-40% बढ़ल बतौल। सरकार को बैशाख 13 गते को निर्णय कैबिनेट डिसीजन पछि नेपाललाई ट्रांजिट पॉइंट बनाएर अर्को देश जाने प्रयोजन का लागि नेपालमा हवाई यात्रा गर्न नपाइने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि सम्म यात्रुको आवागमन घटेको थियो। पछिल्लो चोटि 19 गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट 23 गते राति आज राति 12 बजेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि यो बीचमा अत्यावश्यक कामले आफ्नो देश फर्कनुपर्ने विदेशी नागरिकहरू र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जो नेपाल फर्कन चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू अब केही समय यो बन्द हुन्छ एयरलाइन्स भनेपछि आफ्नो चाहिँ सेड्युल चेन्ज गरेर आउने जाने क्रम बढेको कारणले पछिल्लो 1-2 दिन चाहिँ यात्रुहरूको आवागमन बढेको देखिन्छ। हवाई मार्ग से बैसाख 22 गते 2290 गोटे प्रस्थान कैने छल, तहिना 3884 गोटे नेपाल आयल छल। तहिना के 21 गते 1440 गोटे नेपाल छोड़ने छल, तहिना 3183 गोटे नेपाल आयल छल। यात्रु सबके चाप बढ़ला बाद मंगल दिन एयर अरेबिया 3 उड़ान बढ़ौने छल, तहिना के और एयरलाइन सबसे उड़ान बढ़ौने छल। नेकपा एमाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास के मत प्राप्त करबाक उद्देश्य लक दलीय परामर्श आगा बढ़ेबाक निर्णय कलक। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटाड़ में बृहस्पति दिन बैसल स्थायी समिति बैठक विश्वास के मत प्राप्त करबाक उद्देश्य लक विभिन्न परामर्श विभिन्न पक्ष संग परामर्श लेबाक निर्णय कने नेता प्रदीप कुमार गेवाली जानकारी दिलन। स्थायी समिति बैठक सेहो विश्वास के मत के लेल दल सब संग परामर्श अखनो सघन रूप में आगा बढ़ेबाक निर्णय कलक। तहिना के अगला जेठ 6 गति हो वाला राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन में नेकपा एमाले के उम्मीदवार के जितेबाक परामर्श आगा बढ़ेबाक निर्णय से बैठक कने नेता गेवाली जानकारी दिलन। जेठ 6 गति हुन गइरहेको यो बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलहरू गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी त्यो जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले।
हामीले तदनुरूप नै विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू मतदाताहरूसँग कुराकानीहरू पनि गर्ने, कुराकानीहरू अगाडि बढाउने र जितलाई सुनिश्चित हुने गरिकन छलफललाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। सरकार विश्वासक मत लेबाक लेल अगिला सोम दिन प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन आह्वान कऽ चुकल छै। एकर पूर्व संध्या में प्रधानमंत्री ओली बुध दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा संग भेट कऽ अपना के विश्वास के मत देव आग्रह कयने छलथि, मुदा कांग्रेस सहयोग कर नहीं सकबाक जनाब चुकल छै। अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदूर संघ निषेधाज्ञा अवधि में पेट्रोल पंप सबके नियमित संचालन समय तय कर मांग कलक। संघ पेट्रोलियम मजदूर सबके स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराव आ कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव प्राथमिकता देव सेहो सरकार संग मांग कलक। संघ बृहस्पति दिन विज्ञप्ति जारी करत कोरोना महामारी के संकटपूर्ण अवस्था में आयल निगम पेट्रोल पंप खोल मात्र निर्देशन देने मुदा श्रमिक के स्वास्थ्य सुरक्षा के चाख नहीं देहोने कहित सरकार तोकने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पूर्ण रूप में लागू कर आग्रह कलक। सिराहा के मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर एक स्थित सौर्य सीमेंट उद्योग शर्त सब पालना नहीं केने कहित स्थानीय नागरिक समाज आ मजदूर सब आंदोलन में उतरल छे। बृहस्पति के ओ सब 11 बुंदा के मांग रह के आंदोलन में उतरल छे। उद्योग के लेल आवश्यक जमीन देत कला स्थानीय के ओकर सभक के योग्यता अनुसार काम देवाक शर्त कारण नहीं भेल ओकर सभक मुख्य मांग समझौता भेल फैक्ट्री मालिक के जेकर जमीन है तेकरा नौकरी देबे स्थानीय वासी के देबे ऐसे गाड़ी से जते कामदार सब काम कल के तेकरा अखनी तगला कॉन्ट्रैक्टे में रखने है। समस्या ई छे कि हम सब 3 साल से ठेकेदार रूम काम कर रहल छी। फर्स्ट में हमरा सब के जमीन जब लेलके एग्रीमेंट भेल छै कि सब जते जमीन वाला छै ओकरा सब के काम देबे। एकर संगे ढुवानी के लिए स्थानीय टिपर ट्रक के प्रयोग कैल जेबाक, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कैल जेबाक, तेतरिया खोला आ बेनावती खोला में उद्योग के पानी बहाव बंद कैल जेबाक, उद्योग निर्माण काल से कार्यरत स्थानीय कामदार के नियमित काज के व्यवस्था कैल जेबाक सहित के मांग कैल गेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 54 गोटे के मृत्यु, 9070 गोटे नया संक्रमित। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 441 गोटे में संक्रमण, सबसे बेसी धमसा में 117 गोटे, परसा में 111 नया संक्रमित। सब ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में फिरता करा सरकार द्वारा सब संग आग्रह, घर में जमा कह का फिरता नहीं कला पर कार्रवाई है। निषेधाज्ञा के श्रृंखला बढ़ेत शनि दिन सप्तरी के शहरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा, मोरंग में शुक्र के राय से निषेधाज्ञा लागत। आ कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद नेपाल से होवला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अवतरण, बृहस्पति के राय 12 बजे से बंद। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।